दोस्तों, जब भी आपको कुछ चटपटा मीठा नमकीन खाने का मन करे तो आप एक बार इस पोहा चिवड़ा को घर पर जरूर बनाइए। ये मेरी गारंटी है कि इसे खाने में मजा आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विलेज टेस्टी भोजन में। तो चिवड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 कटोरी पोहा ले रहे हैं। ये मोटा साइज वाला पोहा है। तो सबसे पहले इस पोहे को एक मोटा छेद वाला चलनी में रखकर छान लेंगे। ऐसा करने से पोहे का जो भी बारीक टुकड़ा होगा वो बाहर निकल जाएगा। अब इधर चूल्हे पर कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिए हैं। तो तेल काफी गरम हो गया है। अब इस पोहे को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। पोहा तेल में डालते ही फ्राई हो जाता है, तो इसे हम तुरंत बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह बचे हुए सारे पोहे को फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई को खाली करके फिर से चूल्हे पर चढ़ाए हैं। इसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो ये है बादाम, इसे 2-2 टुकड़ा में कर लिए हैं। ये है सूखा हुआ नारियल, इसे पतला पतला लंबा काट लिए हैं। ये है काजू, इसे भी 2-2 टुकड़ा में कर लिए हैं। ये है भुना हुआ चना, ऐसा वाला, बस इसका छिलका हटा दिए हैं। ये है मूंगफली और ये लिए हैं किशमिश। आप इनमें से कोई भी चीज कम या ज्यादा ले सकते हैं। तो तेल गरम हो गया है, अब इसमें सबसे पहले मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को धीमी आंच पर ही 2 मिनट तक भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं मूंगफली भूनकर लगभग चटक गए हैं। अब इसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। यहीं पर इसमें ढेर सारा करी पत्ता डालेंगे। इन सभी को भी कुरकुरा होने तक भूनेंगे। तो ये सभी अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं। अब इसमें किशमिश छोड़कर बाकी सभी चीजें डालेंगे। अब इन सभी को फिर से 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। आंच धीमी से मध्यम कर लेंगे। अब इसमें किशमिश डालकर फिर से इसे हल्का भून लेंगे। तो ये सभी चीजें बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो ये डाल रहे हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और ये डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर। तो इन सभी को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें फ्राई किया हुआ पोहा डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे। 1 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी डालने से चिवड़े का स्वाद और भी अच्छा लगता है, हल्का मीठा नमकीन। अगर आपको केवल नमकीन ही पसंद है तो आप चीनी नहीं भी डाल सकते हैं। तो बस इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले नमक सभी अच्छे से मिला लेने के बाद अब गैस बंद करके इसे चूल्हे पर से नीचे उतार लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा हमारा पोहा चिवड़ा बनकर तैयार है। तो जब भी आपको कुछ चटपटा मीठा नमकीन खाने का मन हो तो आप इस चिवड़े को एक बार घर पर जरूर बनाइएगा। तो कैसी लगी हमारी यह रेसिपी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।